فانشي التراب يضمني. ईमान तीन चीजों का नाम है. जो कामिल ईमान है वो तीन चीजों का नाम है. तस्दीकुन बिल जनान, इकरारुन बिल लिसान व अमल बिल अरकान. इन तीन चीजों का नाम ईमान है. वो क्या? दिल से तस्दीक करना, जबान से इकरार करना और आज़ा से अमल करना. कामिल ईमान इन तीन चीजों का नाम है. दिल से तस्दीक, यकीन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की एक एक बात पर यकीन, और जबान से इसका इकरार. हम अल्लाह के वजूद को दिल से तस्लीम करते हैं, अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की सिफात को, नबुव्वत को, फरिश्तों को, किताबों को, क़यामत को, जन्नत को, दोज़ख को, तकदीर को दिल से तस्दीक करते हैं, तस्लीम करते हैं और ज़बान से इकरार करते हैं. और तीसरी चीज़, आज़ा से इस पर अमल भी किया जाए, ईमान के तकाज़ों पर अमल भी किया जाए. जब दिल के अंदर ईमान का बीज होगा और ये पौधा बनेगा, दरख्त बनेगा, तो अच्छे आमाल और अखलाक के फल और फूल भी उसको ज़रूर लगेंगे. तो आज़ा से अमल, ये तीन चीज़ें हैं ईमान. तो इनके मुकाबले में भी तीन चीज़ें जिक्र की, कुफर, फसूक और इसियान. कुफर ये दिल से, फिसक जबान से, और इसियान ये आज़ा से कि अमल भी नहीं करता. दिल से इनकार और जबान से एतराफ नहीं, और अमली ज़िंदगी में ईमान का कोई असर नहीं. तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ सहाबा इकराम, ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे नबी के मानने वालो, मैंने तुम्हें मुशक्क़त से बचा लिया. किस तरीके से? कि तुम्हारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया और तुम्हें मुतनफ़िर कर दिया इन तीन चीज़ों से, कुफर से, फसूक से और इसियान से. मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, दिल के अंदर ईमान का मुज़य्यन हो जाना और दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत का आ जाना, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है कि दिल में ईमान की मोहब्बत आ जाए और ईमानी चीज़ों की मोहब्बत आ जाए. दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत आ जाए, कुरान की मोहब्बत आ जाए, नबी के शहर की मोहब्बत आ जाए, नबी की शरीयत की मोहब्बत आ जाए, नबी की सुन्नतों की मोहब्बत आ जाए, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है. और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे हम अल्लाह पाक से दूसरी चीज़ें मांगते हैं, इसी तरीके से हम अल्लाह से ये भी मांगा करें कि ऐ अल्लाह हमारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन फरमा दे, हमें ईमान की मोहब्बत अता फरमा दे. और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ख़ुद हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से ये मांगा करते थे. बाद रिवायात में है कि हुजूर की जो मुस्तकिल दुआएं थीं उनमें से एक दुआ ईमान की मोहब्बत और दिल में ईमान के मुज़य्यन होने के बारे में भी थी. أبغي إلهي جنة فيها هنائي.